Hi guys, welcome to my YouTube channel Life High Education. In this video, we will cover best 75 question of first week of September month. So let's start this video. Who has been appointed as a secretary in Lok Sabha with effect from September 1? Lok Sabha Sachiv ke pad par kise niyukt kiya gaya hai? Inka naam hai Utpal Kumar Singh. Which organization has decided to pause the publication of its doing business report following a number of irregularities? किस संगठन ने irregularity के चलते अपनी drug business report के प्रकाशन को रोकने का फैसला लिया है? ये संगठन है World Bank. तो option C is the right answer. Which Central Armed Police Forces has launched a mobile app Pension Corner for its retired personals? किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपनी सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एक मोबाइल ऐप पेंशनर कॉर्नर की शुरुआत की है? यह है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आसरा संपूर्ण पोषण एंड विद्या कनुका आर द स्कीम ऑफ विच स्टेट? आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कनुका किस राज्य की योजनाएं हैं? ये स्कीम है आंध्र प्रदेश की. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नीति आयोग हैज लॉन्च इंडिया कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया प्रोग्राम. वॉट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ NDC-TIA प्रोग्राम? नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल के भारत घटक को लॉन्च किया है. इस कार्यक्रम की समय सीमा कितने वर्ष की है? इसका आंसर है 4 years. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अयाका ताकाहाशी हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स? अयाका ताकाहाशी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? ये स्पोर्ट्स है बैडमिंटन. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Reliance Retail Venture Limited has acquired Future Group's retail, wholesale, logistics and warehousing business for how much amount? Reliance Retail Venture Limited ने Future Group के retail, wholesale, logistics और warehouse business को कितनी राशि देकर अधिग्रहित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 24,713 करोड़. Who has been re-elected as a president of the African Development Bank Group? अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे चुना गया है? इनका नाम है अंकिन भूमि एडेसिना. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन DG ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? नागरिक उद्यान सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इनका नाम है उषा पाड़े. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस चीफ, ग्लोबल टूरिज्म हैज लॉस्ट हाउ मच अमाउंट इन 5 months फ्रॉम कोरोना वायरस? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अनुसार कोविड महामारी की वजह से पर्यटन उद्योग को इस साल के पहले 5 महीनों में कितने अरब डॉलर का निर्यात का नुकसान हुआ है? इसका आंसर है $320 US billion. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस टू सेलिब्रेट सितंबर 2020 एज अ मंथ ऑफ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 को किसके महीने के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये मंथ है पोषण माह. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एज पर द डेटा रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडियाज इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच परसेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020-2021? भारत की अर्थव्यवस्था में 2020 और 21 की पहली तिमाही में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है? इसका आंसर है 23.9%. काफी बड़ी गिरावट है ये. Central Mechanical Engineering Research Institute has installed the world's largest solar tree in which state? CMERI ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया है? ये स्टेट है वेस्ट बंगाल. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज बॉर्न इन विच स्टेट? भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य में जन्मे थे? स्टेट है वेस्ट बंगाल. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इंडिया विल रिसीव एन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन ऑफ एन अमाउंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली ₹3,500 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री? किस देश की सरकार ने भारत को COVID-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है? ये देश है जापान. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इंडियन रेलवे हैज डेवलप्ड अ रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली नेम्ड व्हाट टू डिलीवर फूड मेडिसिंस टू COVID-19 पेशेंट्स? भारतीय रेलवे ने COVID-19 रोगी को भोजन दवाई देने के लिए किस नाम से एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? इसका नाम है मेडबोट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर.
गुजरात सरकार ने किस राजनेता की जयंती पर अहमदाबाद और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बीच पहली समुद्री विमान सेवा का आधिकारिक उद्घाटन करेगी? इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एग्रियोटा, अ न्यू टेक्नोलॉजी ड्राइवन एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग एंड सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म? किस राज्य ने एग्रियोटा नाम से एक नई प्रौद्योगिक आधिकारिक कृषि जिन्स कारोबार और ई मार्केट मंच की शुरुआत की है? ये देश है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम? किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिया फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली, व्हाट वाज हर नेम? भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम बताएं। इनका नाम है डॉक्टर एस पद्मावती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट द फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट इन 2021। द समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा इन तीनों ही शहरों में। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द फर्स्ट कॉमर्शियल डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इसराइल एंड यूएई लैंडेड इन विच सिटी? इसराइल और यूएई के बीच की पहली व्यावसायिक सीधी उड़ान किस शहर में उतरी है? ये सिटी है अबू धाबी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एंड स्लीपिंग सिकनेस? नींद की बीमारी को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा बना है? ये देश है टोगो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच बैंक हैज लॉन्च द वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होम उत्सव? किस बैंक ने वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव की शुरुआत की है? ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अमूल हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी टू गेट फीचर्ड इन द वेबोबैंक्स ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज लिस्ट? द कंपनी स्टूड एट व्हाट रैंक? अमूल वेबोबैंक की ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनी की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली डेयरी कंपनी बन गई है। इस कंपनी ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसकी रैंक है 16th। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ऑफ विच आईआईटी इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड एआईआर स्कैनर, अ फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट स्कैनिंग मोबाइल एप्लीकेशन? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने फ्री में यूज की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एआईआर स्कैनर डेवलप किया है? ये स्टूडेंट्स हैं आईआईटी बॉम्बे के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज वॉन द सीआईआई गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड? किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सीआईआई गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर राष्ट्रीय ऊर्जा नेता और राष्ट्रीय ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार जीता है? ये एयरपोर्ट है हैदराबाद का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इनका नाम है हेमंत खत्री। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस चैटबॉट लाइगो ऑन गूगल असिस्टेंट? किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरफुल वॉइस चैटबॉट लाइगो पेश किया है? ये बना है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट? निम्नलिखित में से किसने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता लॉन्च की है? ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है वीके यादव को। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसमें भारत का स्थान है 48वां। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच न्यू लैंग्वेज हैज बीन एडेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर?
जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? ये तीनों नई भाषा जोड़ी गई है, कश्मीरी, हिंदी और डोगरी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 118 मोबाइल चाइनीज एप्स हैव बीन ब्लॉक्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय इवोकिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट? ये सेक्शन है 69A। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंस विच ईयर नेशनल न्यूट्रिशन वीक हैज बीन एनुअली ऑब्जर्व्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर 1-7? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह लगातार किस वर्ष से प्रत्येक वर्ष 1-7 सितंबर तक मनाया जाता है? इसका आंसर है 1982। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस? बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लद्दाख एंड लक्षद्वीप हैव रिसेंटली जॉइंड द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लिंक्ड विद द स्कीम टू। लद्दाख और लक्षद्वीप राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही अब इस योजना में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? इनकी संख्या है 26। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग विच इज डब्ड एज? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? इस मिशन का नाम है मिशन कर्मयोगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक? पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है एस कृष्णन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु हैज वॉन द 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट ऑनलाइन? 48वां विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? इसका आंसर ऑप्शन डी पी इनियन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेट अस ड्रीम? लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है पॉप फ्रांसिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राजकुमार श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये कंट्री है क्रोएशिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which country has chaired the G20 foreign ministers extraordinary meeting which was held in the virtual mode? G20 विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक किस देश द्वारा आयोजित की गई थी? ये कंट्री है सऊदी अरेबिया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डेविड कैपेल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? डेविड कैपेल जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस खेल से संबंधित थे? ये क्रिकेटर थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी क्रिकेट। इंदिरा नेवी इज अ मैरिटाइम एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंदिरा नेवी भारत और किस देश के बीच होने वाला एक समुद्री अभ्यास है? ये कंट्री है रशिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द इलेक्शन कमीशन विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट रीजनल वोटर्स अवेयरनेस सेंटर इन विच सिटी? किस शहर में देश का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये सिटी है पिंक सिटी, मतलब जयपुर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम बताएं। इनका नाम है एलसी गोयल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान दिया गया है? ये यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। विच स्टेट हैज रोल्ड आउट द आई रखवाली ऐप टू इंश्योर ग्रीनरी एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट? किस राज्य ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है? ये राज्य है पंजाब। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। When is International Day of Charity observed every year?
हर साल अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है टीचर्स डे के दिन, मतलब 5 सितंबर को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड विच सिटी एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू हेरिटेज सिटी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? ये सिटी है विल्मिंगटन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच बैंक हैज टाइड अप विद एमपे पेमेंट सिस्टम टू लॉन्च कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम एटीएम? किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस पैसे निकालने की सुविधा शुरू करने के लिए एमपे पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है? ये बैंक है आरबीएल बैंक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिडबी इन एसोसिएशन विद विच स्टेट गवर्नमेंट विल बी सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इन ऑर्डर टू बूस्ट द एमएसएमई इकोसिस्टम? ये स्टेट है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच कंपनी हैज एक्वायर्ड यूएस बेस्ड प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन फॉर $42 मिलियन? कौन सी कंपनी $4.2 करोड़ में अमेरिका की कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण करेगी? ये कंपनी है इंफोसिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड मीट एंड 2+2 डायलॉग लेटर दिस ईयर? कौन सा देश इस वर्ष के अंत तक क्वाड मीट और 2+2 संवाद की मेजबानी करेगा? ये देश है भारत। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज अश्योर्ड इंडिया डेट इट विल फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नो आर्म सप्लाई टू पाकिस्तान? किस देश ने भारत को आश्वासन दिया है कि वे पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं की नीति का पालन करेगा? ये देश है भारत का दोस्त रसिया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड अ बिल टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड रिस्टोर टेंजिबल हेरिटेज विच आर करेंटली नॉट कवर्ड अंडर एनी नेशनल और स्टेट लॉ? किस राज्य की विधानसभा ने उन मूर्त विरासतों जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीय या राज कानून के तहत शामिल नहीं की है की रक्षा संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए एक विधेयक पारित किया है? ये स्टेट है असम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज सेट अप अ 10-member बायोडाइवर्सिटी काउंसिल अंडर हूज चेयरमैनशिप? जम्मू और कश्मीर सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 10 संसदीय जैव विविधता परिषद की स्थापना की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी मोहित गैरा। आपको अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है इस क्वेश्चन की तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।